हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल YK मूवीज़। आज हम बात करने जा रहे हैं फ्री गाय मूवी के बारे में। आई नीड योर सपोर्ट गाइस, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 7.2। मूवी स्टार्ट होती है फ्री सिटी को दिखाते हुए, जहाँ पर कुछ फ्री गाय फाइटिंग सीन कर रहे होते हैं। फिर एंट्री होती है रियान रिनोट्स की, जिसका इस मूवी में नाम होता है गाय, जहाँ पर वो अपनी डेली रूटीन की कॉफ़ी पीता है। फिर हम गाय के फ्रेंड को देखते हैं, जिसका नाम इस मूवी में बडी होता है। बडी उस बैंक में एक सिक्योरिटी गार्ड होता है और उसका दोस्त भी उसी बैंक में काम करता है। और उसका एक फेमस डायलॉग होता है, आपका दिन शुभ नहीं बहुत ज़्यादा शुभ हो। फिर बैंक में कुछ लुटेरे आ जाते हैं बैंक को लूटने के लिए। फिर गाय अपने दोस्त को बताता है कि उसे किस तरह की लड़की चाहिए। बड़ी कहता है, मुझे पता है तुझे किस तरह की लड़की चाहिए। फिर हम जोडी कोमर को देखते हैं, जो कि इस मूवी में उसका नाम होता है मिली। मिली उस आदमी से कोर्ट की जगह पूछती है। मिली उन सब लोगों के डायलॉग बोलती हुई जाती है, क्योंकि वो उन डायलॉगों को रोज़ सुनती है। फिर वो गाय का भी एक डायलॉग बोलती है, जिसमें वो कहता है कि तुम्हारा दिन शुभ नहीं बहुत ज़्यादा शुभ हो। गाय उसको देखता ही रहता है जब वो वहाँ से जा रही होती है, तब गाय उसका फिर पीछा करने लग जाता है। फिर मिली की फ्रेंड कहती है, तुम पूरा दिन गेम ही खेलती रहती हो क्या? गाय का डेली का रूटीन होता है सेम चीज़ों को दोबारा करना। वो फिर से सेम तरह की कॉफ़ी फिर से पीता है। अब की बार वो कुछ अलग डिमांड करता है, पर वो लोग उसे देखने लग जाते हैं अजीब तरीके से। और वो कहता है कि मैं मजाक कर रहा था। थोड़ी देर के बाद वहाँ पर एक लुटेरा आ जाता है बैंक लूटने के लिए। गाय फिर बड़ी से कहता है कि उसे गूगल चाहिए, गूगल होगा तो वो उस लड़की से मिल सकता है। फिर गाय उस लुटेरे से गूगल मांगता है। ये एक गेम होती है जिसे फ्री सिटी कहते हैं, जिसे बच्चे खेल रहे होते हैं। वो लुटेरा गाय को मारने लग जाता है और गूगल देने से मना कर देता है। जैसे ही गाय उस लुटेरे से गॉगल लेता है, वो लुटेरा मर जाता है। उस गॉगल को पहनने के बाद गाय के साथ अजीबोगरीब होने लगता है। गाय को सब कुछ गेम की तरह दिखने लगता है और उसे लगता है वो फ्री सिटी गेम में है। फिर हम कीज को देखते हैं, जो इसने उस कोड को बनाया है। फिर हम माउजर को देखते हैं, जो इस फ्री सिटी गेम में काम करता है। वो दोनों नए रूप में आ जाते हैं गाय को पकड़ने या उसे मारने के लिए वहाँ पर। माउजर और गीस गाय के पीछे पड़ जाते हैं, पर गाय वहाँ से भागने लग जाता है अपनी जान बचाकर। और वो उस बिल्डिंग से छलांग लगा देता है और नीचे गिरते हुए वो उस बबल से बच जाता है। गीस कहता है, हमने उसे मार दिया है, पर वो सर्वर में नहीं दिख रहा है कि वो मर गया है। फिर हम किड्स को देखते हैं, जो फ्री सिटी गेम में काम करता है। फिर हम मिली और किड्स को देखते हैं, जो अपनी गेम का डिज़ाइन का कोड डिस्कस कर रहे होते हैं। पहले मिली भी फ्री सिटी गेम में ही काम करती थी। फिर कीज अपने घर पर पहुंच जाता है। वहीं पर हम मिली को भी देखते हैं, जो उससे मिलने के लिए आई होती है अपने कोड के बारे में। मिली कीज को कहती है कि वो कोड हमारा था और हमने उस गेम के लिए बनाया था। मिली भी उसी गेम का एक हिस्सा होती है। फिर मिली मिशन पर निकल जाती है, जहाँ पर तभी गाय भी आ जाता है और उसका मिशन ख़राब कर देता है। और गाय मिली के साथ चलने लगता है, उसके साथ पीछे पीछे, जहाँ पर मिली उसे दिखाती है गाड़ियाँ और वेपन्स। फिर गाय वहाँ से वेपन लेने की कोशिश करता है, पर मिली मना कर देती है। मिली गाय से कहती है, अगर तुम्हें मुझसे मिलना है तो तुम्हें अपना लेवल 100 करना होगा। गाय एक हीरो की तरह लोगों की मदद करता है और अपना लेवल बढ़ाता है। गाय बैड लोगों से अच्छे लोगों को बचाता है और उनका हीरो बन जाता है। फिर गाय अपने दोस्त बड़ी से मिलता है काफ़ी दिनों के बाद। तभी वहाँ पर एक लुटेरा आ जाता है, जिससे गाय उसका चश्मा छीन लेता है और बड़ी को पहनने को कहता है। और गाय उस लुटेरे को वहाँ से भगा देता है। और गाय उस लड़की से कहता है, तुम इन जैसे लड़कों के साथ घूमना नहीं चाहिए। फिर हम कीज को देखते हैं, जो उस गेम पर काम कर रहा होता है। फिर हम मिली को देखते हैं, जो वो कोड ले लेती है वहाँ से। तभी वहाँ पर कुछ लोग आ जाते हैं और वो मिली पर हमला करना शुरू कर देते हैं।
देन गेस व्हाट, कौन आता है अपना गाय मिली को बचाने के लिए वहां पर। फिर मिली उन लोगों से फाइट करने लग जाती है और गाय उसे देखता रहता है। थोड़ी देर के बाद गाय भी उन लोगों से लड़ने लग जाता है। फिर मिली बाइक पर बैठकर उन लोगों पर गोलियां चलाने लग जाती है और गाय उस बाइक को लेकर वहां से निकल जाता है। उन लोगों की कंपनी का नाम सुनामी होता है, जिसमें फ्री सिटी गेम बनाई थी। फिर हम देखते हैं एंटवोन को, जो इस गेम का मालिक होता है, और उसी ने कीस और मिली का कोड चोरी किया था उस गेम का भी। फिर एंटवोन कीस से मिलता है और वो कीस को कहता है, तुम तो बहुत बढ़िया हो इस गेम के अंदर। गाय मिली से दोबारा मिलता है अपना लेवल अप करके। मिली कहती है उसने पहली बार एक ऐसा आदमी देखा है जो अच्छे काम करके अपना लेवल अप कर रहा है। फिर गाय मिली को कहता है, मैं तुम्हें किस करना चाहता हूँ। फिर गाय मिली के साथ घूमती है और उसके साथ आइसक्रीम खाती है। फिर कीस को पता चल जाता है गाय जो है एनपीसी प्लेयर है। थोड़ी देर के बाद गाय मिली को किस कर लेता है। फिर कीस मिली को बताता है वो एक एनपीसी प्लेयर है। फिर मिली कहती है कि मैंने आज उसे किस कर लिया। फिर कीस कहता है, तूने उसे किस कर लिया। फिर कीस को याद आता है वो कोड तो हमारा है और एंटवान को पता चलेगा तो वो उस कोड को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश ज़रूर करेगा, जो कि गाय है। फिर कीस मिली को कहता है कि तुम्हें सब कुछ गाय को बताना होगा इस बारे में। फिर मिली गाय से मिलती है और वो कहती है कि मुझे तुम्हें कुछ बताना है। फिर मिली गाय को एक गेम की जगह पर ले जाती है। फिर गाय मिली को बताती है कि तुम एक एनपीसी प्लेयर हो, जिसे तुम एक ऐसे प्लेयर हो जिसे कोई भी प्लेयर आकर मार मूर के चला जाता है। तुम्हारे जैसे प्लेयर को इसलिए बनाया जाता है कि तुम लोगों से पिट सको। मिली उसे सब कुछ बता देती है इस बारे में। फिर गाय कहता है, ये सब तुम क्या कह रही हो। मिली कहती है, यही सच है, पर गाय उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता है। जैसे ही गाय उस स्ट्रीट से जा रहा होता है तो एक प्लेयर उसे मार कर चला जाता है। फिर गाय चेक करता है कि वो समुद्र के पार जा सकता है या नहीं। इन लोगों की गाय मदद करता था, अब वो उनसे चिढ़ने लगता है। फिर गाय अपने दोस्त बड़ी से मिलता है और वो कहता है कि हम सब तो नकली हैं। गाय उसे बताता है, हम एक गेम में हैं जिसमें हम एनपीसी प्लेयर हैं जिसे कोई भी मारकर चला जाता है बिना फालतू में। पर बड़ी कहता है, जो पल है ना वो असली है और हम इस पल को जी रहे हैं। फिर बड़ी गाय की मदद करता है उस कोड को ढूंढने में और वो उसके साथ चलता है, जहाँ पर वो एक आदमी से मिलता है और वो आदमी गाय का बहुत बड़ा फैन होता है। वो आदमी गाय को वो कोड दे देता है। वो आदमी कहता है, क्या तुम मेरे साथ डांस करोगे। पर वो आदमी अकेले ही उन लोगों के सामने नाचने लग जाता है। वे लोग कोड लेकर वहाँ से चले जाते हैं। गाय मिली को कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा इस मिशन में। फिर वे लोग गाय से बहुत इम्प्रेस हो जाते हैं क्योंकि वो अच्छा काम कर रहा होता है। फिर एंटवन वहां पर आ जाता है और वो कहता है, गाय को डिलीट करो इस गेम में से। माउजर कहता है, हम गाय को डिलीट नहीं कर सकते, हम खाली मिली को डिलीट कर सकते हैं। और माउजर कहता है, हम गाय का डेटा डिलीट कर सकते हैं, और वो उसका डेटा डिलीट कर देता है। थोड़ी देर के बाद गाय का डेटा डिलीट हो जाता है उसकी मेमोरी में से। फिर मिली गाय को बताती है, पर गाय को कुछ समझ नहीं आता है क्योंकि उसका डाटा डिलीट हो जाता है। माउजर फ्री सिटी गेम को फिर से रीस्टार्ट कर देता है। मिली फ्री सिटी गेम का रीस्टार्ट होने का वेट कर रही होती है। गाय फिर से अपनी लाइफ पहले की तरह जीने लग जाता है। फिर मिली गाय से मिलने के लिए आती है और वो उसे बताती है, पर गाय को अब कुछ भी याद नहीं होता क्योंकि उसका डाटा लॉस्ट हो चुका होता है। फिर कीज मिली को कॉल करता है, वो कहता है उसकी इंटरनल मेमोरी में डाटा सेव है अभी भी, क्योंकि कीज को पता था, क्योंकि कीज ने ही उस कोड को बनाया था जिसमें गाय था। वो एक रोमियो टाइप का करेक्टर होता है जो उस कोड में था। कीज उसे बताता है कि उसे अभी भी सब कुछ याद है। फिर मिली गाय को गन पॉइंट पर उठाकर ले जाती है अपने साथ। फिर मिली गाय को किस कर लेती है और जैसे ही वो उसे किस करती है उसे सब कुछ याद आ जाता है। फिर गाय मिली को कुछ दिखाता है उस खिड़की के पास। वे लोग उस गेम को हटाने की कोशिश कर रहे होते हैं।
फिर गाय सब एनपीसी प्लेयर को इकट्ठा कर लेता है और वो उन सबको कहता है हम एक एनपीसी प्लेयर है, हमें कोई भी मारकर चला जाता है। एक आदमी ऑटोमेटिकली अपने हाथ उठा लेता है जब भी कोई लुटेरा आता है। वो उन लोगों को बताता है कि अगर हमें कुछ करना है तो हमें उन लोगों को जवाब देना होगा। फिर गाय उन लोगों से मदद मांगता है। जो लड़की कॉफ़ी बनाती थी वो लड़की कहती है मैं तुम्हारा साथ दूंगी इस मिशन में। फिर सारे लोग गाय का साथ देने लग जाते हैं उस मिशन के अंदर। फिर एक लुटेरा आता है बैंक में, बैंक को लूटने के लिए, पर वहाँ पर कोई नहीं होता है। सब लोग एनपीसी प्लेयर को मारने के लिए आते हैं पर वहाँ पर कोई भी प्लेयर नहीं होता है। एंटवान को समझ में आ जाता है ये तो एक डिजिटल स्ट्राइक हो रही है हमारे खिलाफ। एंटवान कहता है इस लड़की मिली को हटा दो इस गेम में से। माउजर कहता है थोड़ा मुश्किल है, पर एंटवान कहता है तुम्हें हटाना होगा और वो कहता है कि मैं हटा दूंगा इसे। फिर माउजर उन लोगों पर हमले करना शुरू कर देता है जहां पर हम मिली और गाय को देखते हैं जो अपने मिशन की तरफ जा रहे होते हैं। तभी माउजर उन लोगों पर गाड़ियों और बिल्डिंगों से हमला करता है। माउजर अपना सारा दिमाग लगा देता है पर वो उन्हें मार नहीं पाता है और वे दोनों उस बिल्डिंगों के बीच से बाहर निकल जाते हैं। फिर एंटवान कहता है अगर तुम उसे मार नहीं पा रहे तो मिली को ही डिलीट कर दो इस गेम में से। फिर वे लोग डूड नाम के गाय को इस गेम में अपलोड कर देते हैं। एंटवान समझ जाता है कीज उन लोगों की मदद कर रहा है इन सब में, क्योंकि कीज को पता चल जाता है एंटवान ने उन लोगों का कोड चोरी किया है। फिर कीज उन लोगों के लिए उस समुद्र पर एक ब्रिज बना देता है। एंटवान सिक्योरिटी बुलाकर कीज को भी उस नौकरी से निकाल देता है। थोड़ी देर के बाद कीस उन लोगों के लिए उस समुद्र पर ब्रिज बना देता है। फिर मिली भी उस गेम से डिलीट होने लगती है। फिर एंट्री होती है डूड की, जिसे एंटवान ने बहुत जल्दी ही अपलोड कर दिया। फिर डूड गाय को मारने लग जाता है काफ़ी बुरी तरीके से। फिर डूड मौत का मुक्का बना लेता है और गाय को मारने ही वाला होता है। तभी गाय शीट निकाल लेता है और मौत के मुक्के को रोक लेता है और उस पर हमला करता है काफ़ी बुरी तरीके से। और फिर गाय हल्क वाला मुक्का डूड को मारता है। फिर गाय लाइट वाली तलवार निकाल कर डूड पर हमला बोल देता है और उनके बीच काफ़ी तगड़ी फाइट शुरू हो जाती है। डूड गाय को काफ़ी बुरी तरीके से पकड़ लेता है, पर गाय अपना चश्मा डूड को पहना देता है, जिसके बाद डूड उन सब तितलियों के पीछे भागने लग जाता है क्योंकि डूड माइंडलेस था, उसमें ज़्यादा माइंड नहीं था। फिर बर्डी दोबारा से गाय के पास आ जाता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करूँगा। फिर वे दोनों उस ब्रिज को काफ़ी तेज़ी से पार करने लग जाते हैं क्योंकि एंटवान उन सर्वरों को तोड़ रहा था। वो माउजर से उस सर्वर के बारे में भी पूछता है जिसमें गाय था। जैसे जैसे वो सर्वरों को तोड़ता जा रहा था वैसे वैसे वो पुल भी टूटता जा रहा था। गाय का फ्रेंड बड़ी उस पुल को पार नहीं कर पाता है। फिर गाय उस पुल को पार कर लेता है और वो एक नई दुनिया में चले जाता है जो कि एक रियल दुनिया होती है। वो दुनिया होती है जो कीज और मिली ने मिलकर बनाई थी उस कोड में। एंटवान धीरे धीरे करके सारे सर्वर तोड़ रहा होता है। फिर कीस को पता चलता है कि गाय उनकी उस गेम में चला गया है। फिर एंटवान उस सर्वर को भी तोड़ने वाला ही होता है, पर तभी वहाँ पर मिली आ जाती है और वो एंटवान को कहती है कि प्लीज़ इस सर्वर को मत तोड़ो। और वो कहती है जितना भी पैसा आएगा वो तुम सब रख लेना और जितने भी तुम्हें इस गेम के वर्जन बनाने हैं वो भी तुम बना लेना और उसके पैसे भी तुम ही रख लेना। एंटवान और मिली के बीच ये डील डन हो जाती है। थोड़े टाइम के बाद एंटवान को पुलिस जेल में ले जाती है। फिर सब लोगों को पता चल जाता है ये गेम मिली और कीज ने बनाई थी। फिर गाय मिली से मिलती है और उसका शुक्रिया अदा करती है कि तुमने हमें बचा लिया। फिर कीज मिली से कहता है कि मुझे तुम्हें कुछ कहना है, पर मिली कहती है मैं अभी बिजी हूँ। फिर कीज मिली के लिए कॉफ़ी लेने के लिए चला जाता है बाहर। फिर मिली को समझ में आ जाता है जो गाय था वो
एक्चुअली में कीज ही था जो उससे प्यार करता था रियल में, और उसको उसने उस करेक्टर में ढाल दिया गाय के नाम से। मिली सब कुछ समझ जाती है और कीज से मिलने के लिए जाती है उसके पास। फिर डूड और गाय भी बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। फिर गाय को अपना खोया हुआ फ्रेंड फिर से मिल जाता है बडी। अपने फ्रेंड बडी को देखकर गाय फिर से खुश हो जाता है। फिर बडी कहता है हम तो बैंक में जॉब करता था, अब हम क्या करेगा। तो गाय कहता है अब तुम कुछ भी कर सकते हो। और इसी तरह इस मूवी का एंड भी हो जाता है। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।